Shri Chi Pal Yadavji, Shri Vashisht Narayan Singh Ji, Shri Ram Chandra Purva Ji, Shri Ashok Chaudhary Ji, Shri Sadanand Singh Ji, Shri Abdul Bari Siddiqui Ji, Bihar ko Bihar ki gauravshali dharti aur yahan ke swabhimani logo ko mera pranam. आज मैं इस महान धरती पर बिहार वासियों के स्वाभिमान की लड़ाई को एक मजबूत धार देने आए हूँ. मैं उनकी सहभागी बनने आए हूँ. यह सत्य, शांति और अहिंसा का संदेश देने वाली धरती है. भगवान बुद्ध, महान सम्राट अशोक की धरती है. यह चंद्रगुप्त और चाणक्य जैसे राजनीतिक महापुरुषों, महान सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है. यह संतों, पीरों, वीरों और देशभक्तों की धरती है. यह बाबू कुंवर सिंह जैसे तमाम स्वाधीनता सेनानियों की धरती है, जिन्होंने स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया है. मुझे मालूम है कि बिहार के लोग अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा सचेत रहते हैं. इस रैली में भारी संख्या में आए हुए लोगों ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि वे अपने सम्मान की रक्षा किसी भी कीमत पर करते हैं. भाइयों और बहनों, कुछ लोगों को बिहार को नीचा दिखाने में बहुत आनंद आता है. उन्हें जब भी मौका मिलता है वे इसे किसी न किसी बहाने से नीचा दिखाते हैं. कभी बिहार के कल्चर का मजाक उड़ाते हैं, कभी डीएनए को खराब बताते हैं, कभी बिहार को बीमारों बताते हैं. लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि कांग्रेस ने हमेशा बिहार के लोगों का सम्मान किया है. उनकी प्रतिभा का हमेशा आदर किया है. इतिहास गवाह है कि इस प्रदेश को हर क्षेत्र में विकास के रास्ते पर ले जाने में कांग्रेस पार्टी का भी योगदान है. कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए सरकार के शासनकाल में कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी, जिसके आधार पर बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खूब तरक्की की. इसमें लालू प्रसाद यादव जी का भी सराहनीय योगदान है. लेकिन बिहार को और अधिक आर्थिक सहयोग की जरूरत है. जो उसे मिलना ही चाहिए, यह उसका हक है, आपका हक है, किसी के दया नहीं है. भाइयों बहनों, मोदी सरकार अपना एक चौथाई समय खत्म कर चुकी है, लेकिन अभी तक शोबाजी के अलावा क्या किया है? कुछ नहीं किया. आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, कुछ नहीं किया. महात्मा गांधी नरेगा में कटौती से भारी संख्या में
गांव के गरीब बेरोजगार हुए हैं। मेरी प्यारी बहनें, जो सभी क्षेत्रों में कदम से कदम मिलाकर अपना योगदान दे रही हैं, और बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, उनके कल्याण की योजनाओं में भी भारी कटौती की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। उस वादे को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नौकरी देना तो दूर की बात है, इन्होंने केंद्र सरकार की नौकरियों में पाबंदी लगा दी। भाजपा ने व्यापन घोटाले के माध्यम से लाखों लाखों युवाओं का भविष्य नष्ट किया है, तमाम परिवारों को बर्बाद किया है। उन्होंने किसानों से वादा किया था कि वे खेती की कुल लागत से ऊपर उठाकर 50% और जोड़कर किसानों को MSP देंगे, लेकिन बिल्कुल इससे विपरीत किया है, जिसकी वजह से देश भर के किसान, बिहार के किसान भारी कठिनाई झेल रहे हैं। यह किसान विरोधी सरकार है, मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है, जो किसानों की जमीन छीनकर अपने चंद अमीर दोस्तों में बांटना चाहती है। देश के किसानों के हकों की रक्षा के लिए हम सभी ने संसद में लड़ाई लड़ी और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। देश के जनता के साथ साथ बिहार की जनता का प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार से विश्वास उठ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की गलत नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब होता जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए की कीमत गिरती जा रही है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ, आज से ठीक 2 साल पहले भाजपा के नेता ने कहा था कि आज रुपए ने अपनी कीमत खोई और प्रधानमंत्री ने अपनी गरिमा खोई। और मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आज प्रधानमंत्री मोदी की गरिमा इससे भी ज्यादा नहीं गिर चुकी? लेकिन मौन रात का रास्ता अपनाया है। इसके बारे में पहले पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी खूब बाढ़ चढ़ कर चुनौती देते थे, आज जबकि दिन ब दिन बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वहां के नागरिकों पर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के प्रति उनकी क्या नीति है? क्या नीति है उनकी? देश जानना चाहते हैं, हम सब जानना चाहते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के इनके वादे को क्या हुआ? चाहे मोदी गेट हो या फिर व्यापम हो या फिर उनके मुख्यमंत्री हो, इन सब मामलों में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरह से मौन रात का रास्ता अपनाया है। भाइयों और बहनों, आपको सोचना पड़ेगा कि जिन्होंने अपना 56 इंच का सीना दिखाकर देश की जनता से
इतने सारे झूठे और खोखले वादे किए और आज आपसे जो वादे किए जा रहे हैं, क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर अंत में भाई और बहनों, भाजपा के झूठे वादे और उनके सांप्रदायिक सोच के खिलाफ हम सब एक मंच पर इकट्ठा हुए। कांग्रेस ने जेडीयू और आरजेडी के साथ मिलकर विधानसभा का यह चुनाव लड़ने का फैसला किया। यह एक जैसी सामाजिक सोच की पार्टियों का गठबंधन है जो भाजपा के नेतृत्व में बनने वाले असरवादी गठबंधन का डटकर मुकाबला करेगा। हमारा प्रगतिशील महागठबंधन सेक्युलर मूल्यों पर विश्वास रखता है। सभी जाति और धर्मों के बीच आपसी सद्भाव बनाकर विकास के रास्ते पर चलने की राजनीति का संकल्प करता है। हमने इस बात की हमेशा वकालत की है कि जो लोग पहले से पिछड़े हुए हैं, उन्हें दूसरों से ज्यादा मदद देकर बराबरी में लाया जाना चाहिए। इसलिए यह गठबंधन सभी जातियों के गरीब और वंचित लोगों की आवाज है। भाई और बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के लोग अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे इस महागठबंधन को अपना पूरा समर्थन देंगे। आप क्या दिखा दीजिए, समर्थन देंगे? बिल्कुल। अंत में आप सभी को धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।